नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर शाला में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के हम तीन तरीके सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को एक्टिव कर लीजिए ताकि इसके बाद के आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी फाइल पर हमने राइट क्लिक किया तो हमें मिलता है रीनेम। ये पहला तरीका है। रीनेम पर क्लिक करते ही देखिए फाइल का जो नाम है वो हाईलाइट हो गया है, मतलब इसका नाम हम बदल सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया है फोटो वन और एंटर। ठीक है, तो ये हमारी फाइल का नाम हमने चेंज कर दिया है। ये पहला तरीका था। इसके बाद दूसरा तरीका है, किसी भी फाइल का नाम बदलना है तो पहले उस फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दीजिए। तो देखिए फाइल का नाम हाईलाइट हो गया है, इसका मतलब फिर से हम इसका नाम बदल सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया है फोटो टू और एंटर, या फिर बाहर क्लिक कर देंगे, इससे भी फाइल का नाम सेट हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका है, जिस भी फाइल का नाम बदलना है उस फाइल के नाम पर आपको माउस पॉइंटर लेकर जाना है और एक बार क्लिक करना है और एक सेकंड वेट करने के बाद दोबारा क्लिक कर देना है, इससे भी फाइल का नाम हाईलाइट हो जाएगा, मतलब कि फाइल का नाम हम फिर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं। ये तीनों तरीके आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तरीका है फाइल पर राइट क्लिक और रीनेम, दूसरा तरीका है फाइल पर क्लिक और कीबोर्ड से F2, और तीसरा तरीका है फाइल के नाम पर क्लिक और क्लिक। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम फाइल का नाम आसानी से बदल सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आज की चीजें भी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि समय पर आपको अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।